हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा। आज मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा था, जो कि स्टूडेंट्स के मन में कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर, इंग्लिश सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता, कितनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर, फिर भी रूल्स याद नहीं होते। तो कौन कह रहा है रूल्स याद करोगे तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएगी? कौन कहता है कि वोकैबलरी बहुत रटते जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक्चुअल बात क्या है कि इंग्लिश जो है वो आज तक हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, इसलिए ये याद ही नहीं हुआ आज तक। सब्जेक्ट के रूप में जब तक आप इसको पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। इंग्लिश बच्चों एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज ही रहने दो, लैंग्वेज के तरीके से इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज के तरीके से पढ़ा जाए तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। देखिए किस तरीके से चीज़ें हम समझते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं बच्चों कि इंग्लिश आज के टाइम में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर एग्ज़ाम में लगभग ही आता है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ये मेरा वादा है आपसे कि इंग्लिश का डर ख़त्म कर दूंगा मैं आपके मन से। इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने किसी फ्रेंड से शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ में एक बेल आइकन होता है तो उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आती रहे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी बात को। मैंने कहा आपको कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में देख के हम पढ़ते हैं, इसलिए क्लियर नहीं होता। लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाए तो ज़्यादा आसान है। लैंग्वेज क्यों कहा मैंने इसको, क्यों मैंने कहा कि लैंग्वेज की तरह पढ़ो? कारण ये है कि बच्चों, लैंग्वेज आप 24 आवर पढ़ सकते हो मगर सब्जेक्ट को आप 24 आवर नहीं पढ़ सकते। लैंग्वेज आप 24 आवर कहीं से भी सीख सकते हो। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने जाते हैं और आपने देखा, या शॉपिंग मॉल या मेट्रो कहीं पर भी, तो लिखा होता है बच्चों, सेंटेंस बहुत कॉमन आपने देखा होगा, आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने, आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। इंग्लिश में भी वो लाइन लिखी होती है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस। तो वहाँ पे एक वर्ड हम सीख सकते थे कि निगरानी का मतलब सर्वेलांस होता है, निगरानी को इंग्लिश में सर्वेलांस कहते हैं। तो एक वर्ड हम वहाँ से सीख सकते थे, बट हमने ध्यान नहीं दिया बिकॉज हमें आदत है हिंदी वाली लाइन को पढ़ने की, हम इंग्लिश वाला इग्नोर कर देते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं। वहाँ से एक वर्ड हम सीख सकते थे, साथ ही साथ में हम उस वर्ड की स्पेलिंग भी याद कर सकते थे कि सर्विलांस की स्पेलिंग एग्ज़ाम में आती रही है कई बार, कि सर्विलांस की स्पेलिंग में कभी डबल आई लगा दिया जाता है, कभी डबल ई लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे ये परेशानियाँ आती रहती है। तो वहाँ पे एक वर्ड सीख सकते थे कि सर्विलांस को कैसे लिखा जाएगा। उसी तरीके से कई और वर्ड्स होते हैं जो कि चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम मान लीजिए जाते हैं कहीं पे फ़ोटो स्टेट कराने के लिए दुकान पे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे फ़ोटो स्टेट, हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि फ़ोटो स्टेट ज़रूर ऐसा होगा, मगर बच्चों ध्यान से कभी उसको पढ़िएगा तो फ़ोटो स्टेट ई तो होता ही नहीं है उसके अंदर, और हम इसको बचपन से ई सोचते आए हैं, फ़ोटो स्टेट, फ़ोटो प्लस स्टेट, तो फ़ोटो अलग और स्टेट अलग, दोनों को जोड़ करके पढ़ रहे होते हैं फ़ोटो स्टेट, जबकि ई तो होना ही नहीं था। उसी तरीके से और वर्ड होते हैं जैसे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन वाला वर्ड हम बचपन से इसको डेफी प्लस नेशन तोड़ करके पढ़ने की तो आदत है शुरू से, डेफी प्लस नेशन, जबकि एक्चुअल क्या था कि डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन का इस्तेमाल करना था। तो ये वर्ड ऐसे ही चीज़ एग्ज़ाम में आती है, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में बनते हैं और यही चीज़ें हम छोड़ देते हैं और हम इसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी की लाइंस पढ़ने की आदत हो गई है, इंग्लिश की लाइंस हमें दिखेगी भी तो भी हम छोड़ देंगे। माइंड को बच्चों अवेयर करने की ज़रूरत है, अवेयर अगर आपने करना सीख लिया तो समझिए कि आपकी इंग्लिश उसी दिन से आसान होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सेंटेंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, किस तरीके से आप सिर्फ, ये तो वोकैब की बात थी जो आप एनवायरमेंट से या आसपास से आप अपने सराउंडिंग से सीखते, मगर इसके अलावा जैसे एक सेंटेंस और मैं आपके सामने रखने जाता हूं, द प्रिंसिपल डैश द ऑफिस, ऑप्शन A, B, C एंड D। ऑप्शन A, entered, ऑप्शन B,
एंटर्ड इन, ऑप्शन सी एंटर्ड इन टू, एंड ऑप्शन डी एंट्री। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपके आगे। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर फिर भी कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आदत जो है उसी आदत से मजबूर है। 90% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि सर सुनने में जो सूट कर रहा है हमें तो वो चाहिए, जो सुनने में अच्छा लगे हम तो उसको टिक मारते हैं। तो बच्चों सुनने के ऊपर मत जाओ, सुनने के ऊपर गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आगे आप फेस करोगे, सुनने के ऊपर नहीं जाना है। इसको ज़रा समझते हैं इसको। अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो कभी इन तो कभी इन टू, यहाँ पर हम फंस जाते हैं। दिमाग में एंटर्ड भी आता है मगर नहीं, सुनने में तो इन टू अच्छा लग रहा है या इन भी अच्छा लग रहा है, तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं। बच्चों कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हम, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम ये बातें बिना किताब के, बिना पेन चलाए, बिना किसी चीज़ के कैसे सीख सकते थे। देखो, आप कभी भी अगर मेट्रो में जाते हैं, आप मेट्रो में घूमते होंगे, आपने देखा होगा, तो बच्चों वहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप कभी ध्यान से सुनिएगा। क्या अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी जिसकी जिस गाड़ी जिसमें 6 डब्बे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। कभी बच्चों उस अनाउंसमेंट को इंग्लिश में भी सुना करिए ध्यान से। द ट्रेन हैविंग 6 कोचेज इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म नंबर 1। कभी वहाँ ध्यान से सुनना, तो एंटर के साथ वो इनटू, इन या कुछ और प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो वहाँ से एक सीख सकते थे ना, द ट्रेन हैविंग 6 कोचेज इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो जैसे हम बात सीख गए कि एंटर के साथ इन या इनटू या कुछ और नहीं लगना था, तो हमारे पास आंसर एंटर्ड आ सकता था। तो ये सारी बातें हम वहाँ से सीखते। और भी कई वर्ड्स होते हैं, कई चीज़ें हैं जो हम सीखने लायक है बट हम अवेयर नहीं हैं, जिसके कारण नहीं सीखते हैं। हम अवेयर हो जाते तो शायद हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए, अब हाँ एक सवाल और अब बच्चों के मन में आया होगा कि सर क्या एंटर्ड के साथ इनटू आता ही नहीं है। तो बच्चों वो आता है, मगर उसको कभी किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ नहीं आना था वो, कैसे मैं आपको आगे कभी डिस्कस करूँगा। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि और बातें क्या हम देखने लायक थी, क्यूरियोसिटी वाली बातें। जैसे मान लीजिए आप मेट्रो के स्टेशन पे खड़े हैं, अब आप जब मेट्रो के अंदर जाते हैं तो देखिएगा कि लिखा होता है लेडीज सीट, मतलब उस सीट रिजर्व होती है तो उस पर लिखा होता है लेडीज सीट। मगर कभी आप नोटिस कीजिए कि प्लेटफॉर्म के बाहर जब हम खड़े हैं तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ओनली वुमेन, ओनली वुमेन। तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि भाई बाहर वुमेन क्यों, अंदर लेडीज़ क्यों हो गया? कुछ तो कारण होगा। तो क्या फ़र्क है भैया लेडीज़, फीमेल और वुमेन में? कुछ तो बात होगी जो कि इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो बच्चों ये क्यूरियोसिटी आपके मन में नहीं आई तो समझो कि आप लैंग्वेज सीख ही नहीं रहे हो। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप कन्फ्यूज हो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कन्फ्यूज वही होता है जो क्यूरियस होता है, जिसको सीखने की इच्छा होती है। मैंने कभी किसी बेवकूफ़ इंसान को कन्फ्यूज़ होते नहीं देखा है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब आप सीखने की इच्छा रखते हो और आपके अंदर सीखने की लगन है। तो अगर आपके अंदर सीखने की लगन है तो आप वो सब अचीव करोगे जो आप चाहते हो। मगर अगर आप सिर्फ वही सीख रहे हो जो दूसरा सिखाया जा रहा है, तो आई थिंक कि आपका एक लेवल बाउंड हो जाता है, आप उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हो। खुद के मन से क्वेश्चन निकालो कि यार ये होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे ये वर्ड लगाया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चंस आंसर होते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये लेडीज़, फीमेल, वुमेन वाला कॉन्सेप्ट, ये भी मैं किसी वीडियो में आगे चर्चा में लाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा ये। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप सभी, मतलब एक जिज्ञासु वाली बात आपके अंदर आनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखिए बच्चों, कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ना है कि भाई सिर्फ जॉब लगने तक के लिए मुझे पढ़ाई चाहिए। जॉब लगने तक के लिए जो अगर पढ़ाई करके बैठोगे तो भाई जॉब ले लेना आपके लिए अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए, सक्सेस नहीं। भाई जॉब लगने, असली काम तो जॉब लगने के बाद शुरू होता है, एक्चुअल काम जॉब लगने के बाद में शुरू होता है। अगर मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जॉब लगने के पर्पज से पढ़ाई की, तो आप सिर्फ रटोगे, सिर्फ उसको जो है मगअप करते चले जाओगे कि ये भी चीज़ यहाँ से रट ली, वो भी रट ली, और हो तो होगा क्या कि रटी हुई चीज़ एग्ज़ाम में शायद आपका साथ ना दे, क्योंकि
हो सकता है कि भाई आपने सब कुछ याद कर लिया था, सब कुछ आपको रट गया था, और एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले आपके घर में छोटा मोटा विवाद हो गया। हो सकता है एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई। हो सकता है कि एग्ज़ाम वाले दिन आपकी बस छूट गई, या आपके माइंड में कुछ और तरीके की बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रही है। तो कई बातें हो सकती हैं जो आपको रोक सकती है कि आप वो रटी हुई बातों को शायद याद ना कर पाओ। मगर अगर किसी बात को आपने अपने कॉमन सेंस से समझा था, किसी से पूछ करके जाना था, वो चीज़ें आप चाहे कितने भी प्रेशर में रहो, वो चीज़ कभी नहीं भूल सकते हो। वो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हो। क्या आप कभी अपने घर का एड्रेस भूल सकते हो? क्या आप अपना नाम भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आपके ब्लड में है। मगर अगर कोई चीज़ आपने रटी हुई है, तो वो आप शायद उस समय में नहीं याद कर पाओ, वो चीज़ें आप उसी समय भूल जाओ। तो बच्चों, वो चीज़ें क्या है कि आपने रटी थी ना, तभी आपको वो चीज़ें याद नहीं हो पाई। तो हमेशा याद रखो बच्चों, लाइफ में एक चीज़ के लिए हमेशा फोकस करो कि कम से कम इतनी मेहनत ज़रूर कर लो, इतनी मेहनत ज़रूर कर लो कि एटलीस्ट आपकी आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए आपको दूसरों का एग्जाम्पल ना लेना पड़े। आप खुद इतने ज़्यादा इंस्पिरेशन बनो दूसरों के लिए, खुद इतने ज़्यादा मोटिवेशन के सोर्स बनो दूसरों के लिए कि दूसरे लोग तुमसे सीखें, आपके खुद के बच्चे आपसे मोटिवेट हो, आपसे ही इंस्पायर हों। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो ही ना। हम इस समय में हम अपने टाइम को वेस्ट करते चले जाते हैं, और जो है कुछ मंथ यहाँ इस कोचिंग में, कुछ मंथ उस कोचिंग में, कुछ मंथ उस कोचिंग में, कंटिन्यूसली घूमते हैं। खासकर जो बॉयज़ होते हैं उनको तो चलिए मौके मिलते हैं एक से ज़्यादा बार। मगर ये वीडियो मैं उन बच्चों को ज़्यादा गहराई से समझाना चाहूँगा, उन लड़कियों को जो शादी हो चुकी है और उसके बाद जो है वो पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं। तब पता चलता है कि पढ़ाई छोड़े 5 साल हो गया है और बेसिक भी ख़त्म हो चुका है। तो बेसिक भी ख़त्म हो चुका है, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कोई भी टीचर बेसिक चीज़ें से शुरू नहीं करेगा आपके लिए, पर्सनली आपके लिए, कि आपको पहले टेंस के रूल सिखाएगा फिर आपको जो है वो आगे बढ़ाएगा। कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बच्चों, आपको खुद अवेयर होना है। खैर, वो तो मैंने बेसिक चीज़ों के लिए टेंस वगैरह की मैंने बेसिक चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने डाली थी, खासकर उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो जाता है और अचानक से वो DSSB या CTET के लिए कूदते हैं, तो उनको नहीं पता चल पाता कि सर हम करें क्या, क्योंकि टीचर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कराता जो कि हमारी कमज़ोरी थी, वो लेवल अप करके चल रहा होता है। तो बच्चों, आपको लाइफ आपकी है, आपको देखना है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे हो कि आप जो है दूसरे दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होकर के चलोगे। अब आपकी लाइफ है, आपको खुद आगे बढ़ना है। लड़कियों को बार बार मौके नहीं मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, खासकर उन लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा जो अभी अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर रही हैं या जो अपने लाइफ के में चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि लाइफ में अगर आपने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि आज से आने वाले 10 साल बाद आपके खुद के हस्बैंड आपको ये कह दें कि जब आपको बाल बच्चे ही पालने थे तो आपने MA क्यों किया, आपने BEd क्यों किया, आपकी इतनी सारी जो डिग्री थी इसका क्या काम है, क्या इसका कुछ वैल्यू बचा? तो कुछ नहीं बचा। उस समय में आप और एक कोई 10वीं पास लड़की, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। तो बच्चों, आपके पास डिग्री नहीं, डिग्री तो खूब सारी है बट रिस्पेक्ट नहीं है वो वाली, आपके पास वो जॉब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करने की आज ज़रूरत है। आज अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और अपने लाइफ में अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आई एम श्योर कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। एटलीस्ट ये तो ज़रूर कर लो कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए खुद एक इंस्पिरेशन के सोर्स बन जाओ, ताकि वो भी तो ये देखें कि हाँ भाई, हमारी मम्मी या हमारे पापा जो हैं इतने गरीबी से उठे थे और उन्होंने अपनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो वो आपकी एक्चुअल में दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, वो दिल से आपके लिए आवाज़ निकालेंगे। अगर कोई IPS का बच्चा, अगर कोई IPS का बेटा कांस्टेबल बन जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो बनना ही था। मगर अगर कोई फार्मर का बेटा, अगर कोई किसान का बेटा अगर IPS बन जाता है, तो ये एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो लड़कियों को बार बार मौके नहीं मिलते हैं पढ़ाई करने के। तो बच्चों, मैं आपको कहूँगा कि इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है, माइंड को अवेयर रखना है, माइंड को खोल करके रखना है। जितना आप माइंड को खोल के रखोगे, उतने नए नए वर्ड्स आप सीखते चले जाओगे, नई नई ग्रामर ग्रामर वाली बातें सीखते चले जाओगे। और मैं क्लास में आपसे
जो एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको देता हूँ, जो मेरे से ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं जो भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्लास में भी, तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही निकाल के देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लिक करती है माइंड में। तो बच्चों, आप लोग अगर मेरे साथ यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हो और अगर आपको डेली वोकेबलरी या जो भी मेरे से रिलेवेंट चीज़ें चाहिए, कुछ भी ग्रामर से रिलेटेड, तो बच्चों आप लोग फेसबुक के थ्रू आप मेरे को देख सकते हैं। आर के महतो नाम की आईडी है मेरी, आप इस आईडी पे जा कर के आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आपको इसमें आपको डेली वोकेबलरी और कुछ अपडेट्स डेली लगातार मिलते चले जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचना चाहूँगा, बस एक लास्ट बात और कहना चाहूँगा आप सभी को कि लाइफ आपकी है, आपको समझना है कि आपको किसी सब्जेक्ट से डर के जीना है या उसको क्रैक करके आगे निकलना है। क्योंकि देखो भाई, फेस तो करना है, चाहे आज करो चाहे 2 साल बाद, कहीं चाहे 4 साल बाद, क्योंकि आपको सीधी सी बात है कि कल को आपका बच्चा भी आपके आकर के पूछ ले कि पापा पापा या मम्मी मम्मी, ये बताना सेंटेंस में क्या आएगा। तो वहाँ पे आप ये सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये ऐसा मैं क्या जवाब दूँ उस टाइम में, बिकॉज़ कि हम तो रट करके निकल गए, हमें नहीं पता। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा, तो वहाँ पे हम सेंटेंस में क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा, ये पैसिव में था, हम सब जानते हैं, मगर क्यों? ये पैसिव में मीनिंग तो सेम ही है ना, बात तो ये कि उसमें भी राम है, इसमें भी राम है, उसमें भी क्रिकेट है, इसमें भी क्रिकेट है, उसमें भी खेलना है, इसमें भी खेलना है, तो पैसिव क्यों सीखें? क्या कारण होता है भाई? कल को आप लोग टीचर बनोगे, खासकर वो बच्चे जो टीचिंग के लिए अभी एग्ज़ाम देंगे, DSSB, CTET या KVS के, तो आप लोग टीचर बनोगे। कल को आपका कोई स्टूडेंट आपसे ये बात पूछ ले कि ये हम जब सारी बातें एक्टिव में बोलते हैं तो पैसे क्यों सीखें, तो उसका आंसर तो होना चाहिए आपके पास। तो वो सारी बातें आपको, खैर मैं क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ और आगे भी आपको मैं वीडियो से बनाऊंगा तो उसमें दूंगा। तो बच्चों, कभी भी रट्टाफिकेशन के पैटर्न पे मत चलना, हमेशा हर चीज़ को लॉजिकली समझो। जितना आप लॉजिकली समझोगे उतने आप ओपन माइंडेड रहोगे और उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, कहने का लास्ट मकसद यही था कि माइंड को ओपन रखो, इट इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ो, समझो, कहीं से भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ सीखते जाओ। अगर आपको कोई वर्ड दिख रहा है तो उसकी मीनिंग ढूंढो, मीनिंग भी पता है तो उसकी स्पेलिंग याद कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा नया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए, मेरे वीडियो को देखा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।